कोरोना से सटे पीटा में लॉकडाउन के बीच होटल में बार बालाओं के ठुमके के साथ शराब का पार्टी का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक पटना से सटे बीटा के अनिकेत होटल में जन्मदिन के मौके पर शराब की पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए बार बालाओं के नाच का भी इंतजाम किया गया था। इसी बीच तय समय के अनुसार पार्टी शुरू भी हुई, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच शराब पीने को लेकर मारपीट शुरू हो गई और देखते देखते पूरा होटल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जैसे ही होटल में शराब पार्टी और बारवाला के नाच की सूचना बीटा पुलिस को लगी, बीटा पुलिस छापेमारी करते हुए शराब के नशे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने 5 डांस बार गर्ल को भी गिरफ्तार कर थाने लाई है और सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। वहीं मौके से कई बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। एंकर पिंकी सिंह के साथ बीटा से आनंद मोहन की रिपोर्ट। तो प्रोग्राम चल रहा था, बीच में लड़ाई हो गया, ऑर्गेनाइजर सब पार्टी उटी भाग गया, हम लोग वहीं रह गए। तो हम लोग यहाँ पूछताछ के लिए आए हुए। क्या शराब भी चल रहा था पार्टी में? लड़का लोग पी रहा था, हम लोग नहीं जानते, हमको नहीं पता है, लड़का लोग था शायद। किसके द्वारा बुलाया गया था आपको? अमित कुमार नाम था। है? अमित कुमार। अमित कुमार, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांति वारे। शराब पार्टी वाला मामला देखिए, बीटा थाना क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ पर सूचना मिली थाना को कि एक पार्टी चल रही है और उसके सत्यापन के लिए जब थाना वहाँ गई तो वहाँ पर 5 लोग जो है शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी लोग जो है उनको भी थाना पर पूछताछ के लिए लाया गया कि ये पार्टी जो है वो लॉकडाउन के समय में एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन है, तो उनको जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से शराब पार्टी का बात सामने आ रहा है, वैसे होटल पर भी कोई कार्रवाई या उनके साथ पूछताछ इस तरह लॉकडाउन में? देखिए, एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।